Yeah.
लड़की के वाला की वो भाभी ने एकली बन में रही आधी रात ढलकी तू आयो को न्या ने वो गुआड़ आयो गाया को वो कच भी को न्या आयो क्या टा गयो जबन फूल तोड़ बाटे में जबन में पूजा का बोलो करवा दी दिखे बेटी पूजा हो जू पर तू रो मना डरप मना मेरी बेटी मैं जिंदो हूं तब तक कच को बाड़ी बापो को बना संजीवनी मंत्र पढ़ के लिए हो दियो कच जहां कहीं बे बेटा मेरे सामने आजना पेट मां बोलो बोलो गुरुदेव तेरा पेट में बैठे और बार ना उनका ऐसी करो पेट फाटक हूं तू मरे गो ये गुरुदेव एक ही मिल रस कैसे तुना शुक्राचार्य देव अनिकार देख बोलो बेटी बोले बोलो जाप तो कर दियो बड़ा बढ़िया अगर से ये लड़का ने जीव देखे तू बार ना बुलाऊ तो मेरो ममरू और जे मन जीव तो देख जाओ तो इन्हें अड़ी पड़ी हो रहा दे पेट में अर जब लड़का ने साव है तो मुख मन को देगी बोलो वो तो बाप ने साव है तो ये लड़का ने ये पिता देव मन तो दोनों पीरी और दोनों साई बोले हैं कि तो स्थिति को ना है एक ही मिला कोई बेटी या तो बता दे ले तेरे लिए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन फिर ये लड़का रहेगा मैं नहीं मिलूंगा और जब मैं मिलूं तो यो पर मिले तो कहो अरे पति पिता का पेट में पति पिता का पेट में अब के करूं उपाय जे मिलूं पति देव से तो पिता श्री मर जाए भाई पति से मिलूं ना तो पिता मर है पिता से मिलूं तो पति को मिले हे भगवान ये कैसी विडंबना है अब क्या करे जा कोई उपाय है दुनिया में जरा पेट में बैठो कच बोलो गुरुदेव एक उपाय है जो मैं दोनों जीवता मिल जाऊंगा और दोनों जग में जिंदा रह जाऊंगा बोलो कच आएगी तो दुनिया में कोई उपाय को नहीं आपको बंद होगा सारा कारोबारी पेट में पड़े रहे बेटा मैं को निभर घुसा हूँ हे गुरुदेव एक उपाय है जरा देव यानी बोल रहे कच मैंने बताओ उपाय मेरा बापिल ने तो मुझको तो वही ना वो पेट में बैठे एक उपाय बता बना को तो कैसी तो उपाय बताओ और कया कच बार ने